दिल को छूना। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ, तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे, जिसने उसके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था, तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं, बीरबल ही थे।